हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास टेंथ का मैथ्स और क्लास टेंथ का मैथ्स का प्रश्नावली है 3.3। तो देखिए, इस प्रश्नावली के हम क्वेश्चन पढ़ चुके थे पहले पहले क्वेश्चन के चार क्वेश्चन पढ़ चुके थे हम। ये पांचवा है और छठा है। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि से इसमें एक्स और वाई के मान हमें फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देखे ध्यान से। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको बोलते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। करना क्या आपको, वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है जो आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और वो वीडियो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। देखिए, सोल्व करिए इसको। समीकरण एक को आप लिखेंगे समीकरण समीकरण एक को हल करने पर एक है हमारे पास रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। मुझे यहां से x का मान चाहिए, तो x का मान निकालने के लिए x को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो रूट 2x ऐसे लिखा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, इधर प्लस भी है तो बाहर जाके इसकी माइनस ही हो जाएगी, बराबर में जाकर किसकी हो जाएगी, माइनस की, विपरीत चिन्ह लग जाते हैं। तो प्लस है उधर जाके माइनस की, तो माइनस के हो गए रूट 3y। मुझे किसका मान चाहिए, इस x का। और x का मान कैसे निकलेगा, देखिए रूट 2x मतलब रूट 2 जो है x के किसमें है, गुणा में है। तो गुणा की संख्या बराबर में कहाँ थी, बटे में। तो आपकी यहाँ पर बटे में आ जाएगी रूट 3y अपॉन में कौन आ जाएगा रूट 2। तो हमारे पास x का मान आ चुका है ये इस तरीके से। इसको बोलते हैं आप समीकरण नंबर 3। ये आगे काम में आ जाएगी। x का मान समीकरण 2 में फिट कर दें। देखिए, अगर x का मान समीकरण 1 में फिट कर दिया तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एक समीकरण को तो हमने सोल्व करा था। ये इस x के मान को समीकरण 2 में फिट कर दें, y का मान यहाँ से आ जाएगा। आप लिखेंगे x का मान, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। और समीकरण 2 क्या है, आप ये नोट कर लें, कौन है रूट 3x माइनस के रूट 8y बराबर 0। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए x का मान फिट करते हैं। यहाँ पर जो x का मान अभी हमने फाइंड कर रहा है वो यहाँ पर फिट करना है समीकरण नंबर 2 में। कैसा रखेंगे वो ध्यान से देखें। रूट 3 मैंने ऐसे लिखा, रूट 3 के गुणा में कौन है, x है, और x का मान यहाँ पर गुणा में लगा दें इसके, केवल रूट 3 के। तो गुणा होती है ब्रेकेट माइनस का रूट 3y और बटे में कौन है रूट 2। तो यहाँ पर लगा दें ब्रेकेट, क्योंकि x इसके गुणा में है, केवल x को ही लिया जाएगा, माइनस रूट 8y बराबर कौन चल जाए 0। तो जो गुणा में है उसमें तो गुणा करेंगे आप, तो इससे इसकी गुणा करते हैं, रूट 3 से रूट 3 की गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कैसा आ जाएगा वो भी देखें, माइनस कौन है रूट के अंदर 8y बराबर कौन है 0। आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे देख लें कि अगर रूट 2 से रूट 2 की गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसा आ जाएगा देखिए, गुणा में घाता जुड़ती है, तो गुणा में घाता कैसे जुड़ेंगे, तो यहाँ पर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो इस तरीके से 2 आ जाएगा। तो सेम टू सेम संख्या हो रूट के अंदर तो वही आ जाती है, ठीक। तो यहाँ पर रूट 3 से रूट 3 की गुणा करें तो क्या आ गया, हमारे पास 3 आ गया है। तो एक बार और समझें इसको कि स्क्वायर से रूट कैसे कटा है। ये जो रूट का मान होता है, इसका मान होता है 1/2, ओके, और ये ब्रेकेट होते गुणा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2 × 2। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप, ओके। तो देखिए आगे सोल्व करिए इसको, आगे कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर दे रखा है रूट 3 और रूट 3, इससे इसकी गुणा करें तो कौन आ गया हमारे पास, 3 आ जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस और गुणा में कौन है y। रूट 2 ऐसे लिखा और इसको भी हमने ऐसे लिखा है। अब देखिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता एक होता है, तो यहाँ पर बेस एक है, इससे इसकी गुणा करेंगे, इससे इसकी गुणा करेंगे। तो सोल्व करें इसको आगे कैसे करेंगे, तो देखिए इससे इसकी गुणा कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस का 3y, इसके नीचे एक होगा, तो इससे इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा सेम टू सेम, इससे इसकी गुणा करते हैं माइनस माइनस, इससे इसकी गुणा करेंगे तो 8 × 16, रूट के अंदर कौन आ गया 16, 8 × 16 गुणा में कौन है वाई, ओके। नीचे से नीचे गुणा करते हैं तो नीचे आ जाएगा रूट 2, क्या आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा बराबर में चल जाए 0। इसको आगे सोल्व करें, यहाँ से बचे आपके पास माइनस के 3y, और यहाँ पर देखें ध्यान से रूट 16 किसका वर्ग है, तो ये आपका है 4 का वर्ग, साथ में कौन है y, ये बटे में इसकी गुणा बन जाएगी। तो देखिए, 0 से किसी भी संख्या की गुणा कर दें 0 बन जाता है, तो रूट 2 से 0 की गुणा करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा
आ जाएगा जीरो। तो माइनस का तीन वाई माइनस का सात, देखिए माइनस का तीन वाई माइनस का चार वाई माइनस का सात वाई, माइनस माइनस के जुड़ जाती है रहती माइनस की है, माइनस का तीन वाई माइनस का चार वाई माइनस के सात वाई बराबर में कौन है जीरो। मुझे किसका चाहिए वाई का मान चाहिए, तो गुणा में है इसके बटे में आएगी, तो जीरो के बटे में माइनस का सात आएगा ना। अब जीरो को किसी भी संख्या से भाग लगा दो तो जीरो आता है, क्या आता है जीरो। तो हमारे पास किसका मान आ चुका है, हमारे पास आ चुका है y का मान। y का मान समीकरण किस में रखते हैं, तीन में रखने पर y का मान यहां पर रखते हैं y का मान समीकरण तीन में रखने पर। तो तीन हमारे पास ये रही, कौन है x बराबर माइनस का रूट तीन वाई अपॉन कितना है रूट टू है, तो x का मान मुझे चाहिए माइनस रूट तीन, और y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू आई आपके पास जीरो, जीरो फिट कर दें और बटे में बोला रूट टू। तो देखिए गुणा में जीरो है तो सबको जीरो कर देगा ये, तो x का मान भी क्या आया जीरो। इस सवाल का जो आंसर आया x का मान भी क्या आया जीरो और y का मान भी जीरो। तो इस तरह के साथ फाइंड कर सकते हैं x और y की वैल्यू प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझे कैसे होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास ये रहा। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको समीकरण बना लें सही तरीके से, क्या करेंगे ये एक तरीके के भिन्न है, इससे इसी गुणा, इससे इसी गुणा, नीचे से नीचे ही गुणा करते हैं। तो आपको क्या करना है, इससे इसी गुणा करेंगे, देखिए तीन से तीन की गुणा करेंगे आपके पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 9x, कितना आ गया 9x आ गया है ओके। ये माइनस ऐसे लगाया दो पंजे 10, तो 10y हो जाएगा, और नीचे से नीचे गुणा करेंगे दो तिया 6, कितना आ जाएगा दो तिया 6 आ गया है, और बराबर में कौन चल गया माइनस का 2, क्या चल गया है माइनस का 2। तो आपको क्या करना है 9x माइनस का 10y ये किसमें है बटे में है, बटे की संख्या किसमें जाती है गुणा में, तो इससे इसे गुणा लगा दें तो 6 माइनस के 12, इसको बोलते हैं आप समीकरण नंबर एक। तो हमने इसको सिंपलीफाई करा तो ये बना दिया हमने समीकरण नंबर फर्स्ट। हल करने के लिए कुछ नहीं करा है, तीन तिया 9x कर दिया है, दो पंजे 10y कर दिया है, और दो तिया 6 कर दिया है, और बराबर कौन है माइनस के 2, ये बटे में है और बटे की संख्या इसके गुणा में जाएगी बराबर में, तो 6 दूनी क्या करेगा 12 करेगा। इसी तरीके से सिमिलरली इसी तरीके से इसको सोल्व करें, इससे इसकी गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा प्लस 3y आ जाएगा, और क्या करेंगे 3 × 6 और बराबर कौन चल रहा है आपके पास 13/6 चल रहा है, ये चल रहा 13/6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, देखिए बटे की संख्या से गुणा हो जाएगी यहाँ पे, तो 6 से 6 काट देंगे तो पहले कट जाएगा, इस तरीके से काट सकते हैं आप, तो यहाँ से बचा 2x प्लस का 3y बराबर कौन है 13, इसको बोल रहे हैं समीकरण नंबर 2, क्या बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लें आंसर आ जाएगा आपके पास, तो आप लिखेंगे क्या समीकरण एक को हल करने पर, हमारे पास एक ये रही, तो एक से हम x का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पर एक है हमारे पास कौन है 9x माइनस के 10y बराबर कौन है माइनस के 12, तो यहाँ से मुझे x का मान चाहिए इधर माइनस की अगर जाकर प्लस की, तो ये बराबर का निशान पहला लगा दें क्योंकि इसको उठाकर उधर को लेके जा रहे हैं, तो माइनस के 12 माइनस की दर्जा के प्लस की, प्लस की 10y आसान है, इधर माइनस की दर्जा के प्लस की, कहाँ बराबर में जाकर मुझे एक्स का मान चाहिए, ये गुणा में है इसके बटे में आ जाएगी नीचे को, तो माइनस के 12 प्लस का 10y प्लस का 10y अपॉन में कौन है, ये गुणा में है इसके बटे में आ गया इस तरीके से। तो आपके पास किसका मान आ चुका है एक्स का मान आ चुका है, इसको बोलते हैं आप समीकरण नंबर कितना 3 बोलते हैं, जैसे 3 बोल दिया आपने तो एक्स का मान समीकरण 2 में फिट कर दें आंसर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, आप लिखेंगे कि एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, हमारे पास दूसरी समीकरण है ये रही, तो इसको लिखें और मान फिट कर दें, तो यहाँ पर है हमारे पास कौन है 2x प्लस 3y बराबर कौन है 13, ये दूसरी समीकरण है और यहाँ पर x की जगह x का मान फिट कर दें, तो मैंने 2 ऐसे लिखा, इससे x की जगह x का मान इतना सारा है कौन है माइनस की 12 है,
प्लस का 10y है और बटे में कौन है 9 है, तो हमने कर दिया x का मान फिट। प्लस के 3y ऐसे लिखें, प्लस का 3y बराबर कौन है 13। इसको आगे सिंपलीफाई करें, कैसे करेंगे, ब्रैकेट के लिए गुणा, इससे इसकी गुणा करते हैं, इससे इसकी गुणा करेंगे, फिर इससे इसकी करेंगे, 12 × 24, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 24 आ जाएगा, इसका आ गया 24 माइनस का। अब इससे इसकी गुणा कर दें, प्लस ये प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, और 10 × 20, तो क्या आ जाएगा 20y। ओके, और बटे में कौन है आपके पास, ये 9 है और प्लस का कौन है 3y है, बराबर कौन है 13 है। अगर सोल्व करें, माइनस के 24 प्लस का 20y, ये बटे में है, मतलब बटे में क्या है, भिन्न है, इसके नीचे एक होगा, कुछ नहीं तो एक होगा, इससे इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा और 9 × 27, इससे इसकी गुणा करेंगे तो 9 × 27y। ओके, और 9 से इसकी गुणा करेंगे तो 9 × 9, तो बटे की संख्या इसकी गुणा में जाएगी, इसके गुणा में जाएगी तो 13 × 117। तो इस तरीके से आप समीकरण बना सकते हैं। अगर सोल्व करें, बाई बाई आपस में सोल्व होते हैं और ये संख्या संख्या आपस में सोल्व होती हैं, एक्स एक्स के मान आपस में सोल्व होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो देखिए 20y और 27y कितने हो गए, 47y, कितने हो जाएंगे आपके पास 47y, और इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, 117 प्लस ऐड कर देंगे 24, भाई प्लस है होगा, इधर माइनस की इधर जाकर प्लस ही होगी, तो इसको ऐड करें तो 47y इसको ऐड कर दें, 7 और 4 11, क्या हो जाएगा 7 × 4 11, और 2 3 और हासिल का 4, और यहां से बचा 1, 47 × 47 47 × 94 हो जाएगा, 47 × 1 47 हो जाएगा, 3 बार कट गया आपके पास ये, तो y का मान आ गया आपके पास 3। तो इस तरीके से y का मान आप निकाल सकते हैं। अब y का मान समीकरण किस में रख दें, 3 में रख दें, तो y का मान जैसे समीकरण 3 में रख देंगे तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो y का मान समीकरण इसमें 3 में रखने पर, 3 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहां से मुझे x का मान पता चल जाएगा और y का हम निकाल चुके हैं और x y का मान निकाल रहे हैं, इस y का मान यहां पर फिट कर दें और आंसर ले आए। तो y का मान समीकरण 3 में रख दें, और 3 है हमारे पास, कौन है, समीकरण 3 है आपके पास, x बराबर माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन में कौन है, अपॉन में 9 है। मान फिट करें इसका ध्यान से, x का मान मुझे चाहिए 12 इंच लिखा प्लस 10 × y की वैल्यू कौन है 3 है, तो 3 लगा दें यहाँ पर, तो 3 मैंने ऐसे ही लगाया, बटे में कौन है 9। अगर सोल्व करें इसको, सिंप्लीफाई कर दें सीधा सीधा, माइनस के 12 प्लस 10 × 30 बटे में कौन है 9, एक्स बराबर आ चुका है। देखिए 30 में से 12 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा प्लस का 18, आसान है, बटे में कौन है 9, कितना है 9, तो 9 × 18, तो एक्स का जो मान आया 2 आया। तो इस सवाल का जो आंसर है आपके पास, वाई का मान है 3 और कितना है एक्स का मान है 2, तो इस तरीके से इस सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाला सवाल देखें, तो देखिए फ्रेंड्स 3.3 का दूसरा सवाल है ये, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप ये देख सकते हैं। तो यहां पर दे रखा कि 2x प्लस के 3y बराबर 11 है और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m बराबर mx प्लस के 3 हो, mx प्लस के 3 हो, तो आपको ये सॉल्व करना है। तो यहां पर हमें निकालना है m का मान, यहां से हमें निकाल देना है m का मान। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, वही कर दें प्रतिस्थापन विधि से, तो इसको बोलते हैं आप क्या बोलेंगे, इसको कहते हैं समीकरण नंबर 1, इसको कहते हैं समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे आप, वही कॉन्सेप्ट फॉलो कर दें कि समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 को हल करने पर, और 1 हमारे पास है कौन है 2x प्लस का 3y बराबर 11 है, इसको सॉल्व कर दें, मुझे x का मान चाहिए तो 2x इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 11 माइनस का कौन हो गया 3y हो गया है, आसान है, इधर प्लस की उधर जाके माइनस की, तो आपको करना क्या है, x का मान चाहिए तो गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, इसके बटे में आ जाएगी, तो 11 माइनस के 3y अपॉन में कौन आ जाएगा 2 आ जाएगा, गुणा की संख्या कहाँ गई इसके बटे में आ गई, तो x का मान हमारे पास आ चुका है, इसको कहते हैं समीकरण नंबर 3। क्या बोलते हैं समीकरण नंबर 3।
तो अब x का मान समीकरण दो में फिट करते हैं क्योंकि हमने पहले को तो सोल्व करा है, तो x का मान समीकरण दो में फिट करना है। x का मान समीकरण समीकरण दो में और रखने पर तो हमारे पास दो है, दूसरे समीकरण है ये लगा दें, कौन है 2x माइनस का 4y बराबर कौन है माइनस का 24, 24 है, तो x का मान फिट कर दें 2 ऐसे लिखा और x का मान कौन है हमारे पास 11 माइनस के 3y बटे में कौन है 2, इसको ऐसे लिखा माइनस के 4y को आप ऐसे लिखें इधर कौन है माइनस का 24, इसको आगे सिंप्लीफाई करें कैसे करेंगे, दो से दो कट हो रही है बटे में है ये ऊपर है तो ये ब्रैकेट होते गुणा तो हम काट सकते हैं ना, ब्रैकेट होते गुणा तो हम काट सकते हैं, तो दो ही गुना दो, यहाँ से बचा आपके पास 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर कौन है माइनस का 24, ये बचा तो 11 माइनस का 3y और 4y दोनों माइनस माइनस की तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y बराबर कौन है माइनस का 24, मुझे चाहिए y का मान, इधर प्लस का उधर जाएंगे माइनस का, तो आगे सोल्व करें माइनस का 7y मैंने ऐसे लिखा इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो इधर कौन है माइनस का 24 पहले से ही है, अब देखिए ये प्लस का है ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो माइनस लगाएं और लिखते हैं 11 माइनस का 7y, देखिए 24 और 11 कितने हो गए 4 और 1 5 2 और 1 3 ये माइनस है माइनस है तो माइनस रहेगा, ओके तो ये गुणा में होता है, ये कोई गुणा का सवाल नहीं है, गुणा माइनस माइनस प्लस हो जाता है बट ये किसमें है दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के 24 माइनस के 11 माइनस के 35, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्यों आपको पता है गुणा के संख्या बटे में जाएगी तो माइनस से माइनस कैंसिल करेगी ना, अब ये मुझे चाहिए किसका बाई का मान, तो 35 के बटे में कौन आ जाएगा 7, तो ये बात ध्यान पर रखें ये गुणा में है बराबर में आ गई इसके बटे के अंदर, 7 पंजे 35 बाई की वैल्यू आई 5, क्या गई 5, बाई का मान समीकरण 3 में रख दें एक्स का मान आ जाएगा, बाई का मान समीकरण समीकरण इसमें 3 में रखने पर 3 है मेरे पास ये क्या है एक्स का मान है यहाँ पर 11 माइनस का 3y बटे में कौन है 2, एक्स का मान मुझे चाहिए तो 11 माइनस का 3 इंटू बाई की वैल्यू कौन है बाई की वैल्यू है मेरे पास 5, कौन में कौन है 2, आगे सोल्व करें इसको आगे सोल्व कर देंगे आप, एक्स का मान मुझे चाहिए 11 ऐसे ही लिखो ये गुणा को सोल्व कर लो 5 किया 15 माइनस के आ गया 15 बटे में कौन चल गया 2, एक्स बराबर क्या जाएगा 11 में से 15 निकाल गए तो क्या बचेगा माइनस का 4 बचेगा माइनस का 4 बचेगा बटे में कौन है 2, 2 दुनी 4 एक्स बराबर आया माइनस का 2 माइनस का 2, तो हमारे पास x और y के मान आ चुके हैं, x और y के मान यहाँ पर फिट कर दें, समीकरण है हमारे पास आपके देखिए y बराबर mx प्लस का 3 दे रखा है, ये किताब में सवाल में दे रखा है, आप मान फिट कर दें और m का मान निकाल लें, यहाँ से y की वैल्यू कौन है 5, 5 लगा दें क्या लगा दें 5 लगा दें, अब देखिए ये बराबर ऐसे लगाएं m का मान मुझे चाहिए और इसके गुणा में कौन है x और x का मान कौन है माइनस का 2, प्लस का कौन है 3 है इधर प्लस का है इधर जाकर माइनस, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि संख्याओं को उठा उठा के एक तरफ पहुंचाते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस का 3 हो जाएगा इधर प्लस का अगर आगे माइनस का, जब 2 से माइनस के 2 से एम भी गुणा करेंगे तो माइनस का 2m हो जाएगा ना, ओके तो 5 में से 3 निकाल दें कितना बचेगा 2 बचेगा इधर कौन है माइनस का 2m, ये गुणा में है बटे में आएगी तो m का मान मुझे चाहिए तो 2 के बटे में माइनस का 2 आ जाएगा ना, जिसका मान निकालना होता है उसको अकेला छोड़ते हैं, मुझे m का मान चाहिए तो ये गुणा में थी इसके बटे में ले आए माइनस के 2, अब माइनस के 2 से आप 2 को काटेंगे तो 2 ही गुना 2 ये किसका है मेरे पास माइनस का, तो यहाँ से जो m का मान आया आपके पास माइनस का कौन आया 1, और इस सवाल में हमें यही ज्ञात करना था कि m का मान निकालिए और m का मान आ चुका माइनस के 1, तो इस तरीके से आप इस सवाल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।